देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिस रिपोर्ट में हमने लिखा है कि सुशांत के गले पर मिले थे सुई के निशान, जिसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि हॉस्पिटल के स्टाफ के एक शख्स ने किया था। दरअसल श्वेता सिंह कीर्ति सुशांत सिंह राजपूत की बहन, जिसने एक वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो में खुद हॉस्पिटल के कर्मचारी ने बताया था सच। उसने बताया था कि मुझे मालूम था कि सुशांत के साथ हादसा नहीं बल्कि साजिश हुई है, उनके गले पर सुई के 10 से 15 निशान थे, जैसे उन्हें किसी ने सुई चुभोई हो। उनके गले पर टेप भी चिपका हुआ था। मैंने उन्हें एम्बुलेंस के अंदर ले गया था और उसके बाद उन्हें आखिरी वक्त भी उनके साथ था। मैंने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की टांग भी टूटी हुई थी और उनका पैर मुड़ा हुआ था और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। इस कर्मचारी ने यह भी बताया कि रिया चक्रवर्ती जब आई थी तो उनके साथ दो आदमी थे, एक लंबे बाल वाला आदमी था। उसने मुझसे पूछा था कि सुशांत की बॉडी कहाँ पर है। मैंने उनको दिखाई, तब रिया ने माफ़ी मांगी थी और भी कुछ बोल रही थी, लेकिन तब मुझे बाहर भेज दिया था। 25 मिनट तक सुशांत सिंह राजपूत से माफ़ी मांग रही थी रिया चक्रवर्ती। बड़े बड़े डॉक्टर भी बोल रहे थे कि ये साजिश नहीं बल्कि किसी की साजिश के तहत की गई प्लानिंग के साथ हादसे की कोशिश थी। इस कर्मचारी ने यह भी बताया कि सुशांत की बॉडी बुरी तरह से पीली पड़ चुकी थी, जिसे देखकर पहचान में आ रहा था, और साथ ही सुशांत की छाती पर और उसके पैर पर भी पीले निशान थे और पैरों पर भी 3 से 4 सुई चुभोने के निशान थे। लेकिन वही कर्मचारी से हटकर अगर सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाए तो उस रिपोर्ट में किसी भी तरह के निशान को मेंशन नहीं किया है, बल्कि इनकार किया है और कहा है कि सुशांत की बॉडी पर कोई भी निशान नहीं था। जहां पर इस बात को भी मेंशन किया गया कि सुशांत के साथ जो हादसा हुआ है वो सुशांत के फैसले से ही हुआ है, ना कि किसी साजिश से। तो ये है पूरी खबर, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हॉस्पिटल के ही कर्मचारी ने तोड़ी थी चुप्पी, लेकिन अभी तक इस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही CBI का कोई रिएक्शन आया और ना ही CBI ने इस हॉस्पिटल के शख्स से पूछताछ की। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।